हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। फिल्म जानबाज का ये गाना न सिर्फ आम लोगों पर बल्कि ग्लैमर की दुनिया पर सभी पर सटीक बैठता है। ये गाना 60 के दशक की सबसे खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस शमीम आरा का है। वही शमीम आरा जिन्हें पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास की ट्रेजिक ब्यूटी कहा जाता है। ये नाम उन्हें लगातार फिल्मों में ट्रेजिक रोल निभाने पर मिला। ये फिल्मी दुनिया दूर से जितनी चकाचौंध भरी नजर आती है, पास आने पर उतनी ही अंधेरे से भरी है। यहाँ हर स्टार की जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव है जो उसके असहाय और अकेले होने का एहसास कराता है। भले ही फिल्म स्टार सफलता के ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और गुमनामी में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने अपने जीवन में सबसे अनोखी शर्त रखी थी कि वे शादी उसी से ही करेंगी जो भारत के लाल किले में पाकिस्तानी झंडा फहराने की हिमाकत करेगा। इस कदर का कॉन्फिडेंट था पाकिस्तानी एक्ट्रेस शमीम आरा का। कुछ ऐसे ही दास्ता है इस अदाकारा की। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही। इस हीरोइन ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के ऐसे आयाम रचे कि सभी देखते दंग रह गए। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक शमीम आरा ने बाकी फिल्म स्टार्स को खूब नाकोचरे चबाए। उनकी फिल्में धड़ाधड़ रिलीज होती और सुपरहिट रहती। हालांकि डेब्यू के बाद एक दो साल तक शमीम की फिल्मों को कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन लोगों की नजरों में वो एक स्टार के रूप में आ चुकी थी। एक ऐसी स्टार जिसे सब सलाम करते थे। 60 के दशक में शमीम आरा ने कई हिट फिल्में दी और उन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। शमीम आरा के पास अब वो सब कुछ था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बस जरूरत थी तो शादी करके घर बसाने की। जल्द ही उनकी ये भी मुराद पूरी हो गई। शादी के कुछ साल बाद जहां शमीम को किसी वजह से अपने बेटे के साथ लंदन जाना पड़ा, वहीं उनके पति ने पाकिस्तान में ही रहना मंजूर किया। शमीम को दुख हुआ कि उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया। अचानक ही कुछ सालों बाद शमीम आरा को पाकिस्तान जाते वक्त पता चला कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। इसका पता चलते ही इलाज के लिए उन्हें वापस लंदन आना पड़ा। ऐसी हालत में भी शमीम आरा के पति उनकी देखरेख के लिए नहीं आए और सारा भार बेटे के कंधे पर आ गया। लंबे वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद पिछले साल अगस्त में इस हीरोइन ने दम तोड़ दिया। बड़े दुख की बात है कि शमीम आरा की शव यात्रा की तैयारी भी अकेले बेटे ने ही की और यूके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मोड़ पर भी पति का साथ नहीं नसीब हुआ शमीम आरा को।